दोस्तों 40% ऑफ द मदर्स डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में जाती है, लेकिन इस बारे में उन्हें या फिर उनके रिलेटिव्स को पता नहीं चलता। इसका सबसे मेन कारण है नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं मदर में, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो डिलीवरी के वक्त काफ़ी ज़्यादा पीक पे होते हैं, वो सडनली डिलीवरी के बाद एकदम से कम हो जाते हैं। 2, टायर्डनेस या फिर स्ट्रेस, लेस स्लीप। 4, डिलीवरी या फिर फीडिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके सिम्टम्स क्या है? हर छोटी छोटी चीज़ पर रोना आना, अपने आसपास जो भी चीज़ हो रही है उसमें धीरे धीरे करके इंटरेस्ट कम हो जाना, एक बहुत ही अननोन सी सैड सी फीलिंग आना, आपको एक सेंस ऑफ फियर या एंगजाइटी रहना। इसका ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1, मेक योर बॉडी स्ट्रांग। आप जितना हो सके अच्छा डाइट लीजिए, आप लिक्विड इंटेक अच्छा रखिए, आप डेली एक बार मसाज करवा सकते हो। इन तीनों चीज़ों से आप अपने बॉडी को एकदम स्ट्रांग कर सकते हो। नंबर 2, मेक योर माइंड स्ट्रांग। इसके लिए आप डेली योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको डेली वॉक पे जाना है, आउटिंग करना है। नंबर 3, मेक योर सेल्फ इमोशनली स्ट्रांग। आप अपनी मॉम से बात कर सकते हैं, अपनी सिस्टर से बात कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर सकते हैं जिनकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, वो आपको इसमें से कॉम्बैट करने के लिए काफ़ी सारे एडवाइसेस दे सकते हैं। नंबर 2, टॉक टू योर हस्बैंड। ना हो सके अपने हस्बैंड से बात कीजिए इस बारे में, और अपने हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट लीजिए। नंबर 4, पॉजिटिव वाइब्स। जितना हो सके अपनी फेवरेट हॉबी कीजिए, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ कीजिए। 5, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। आपको अपने खुद पे सेल्फ बिलीफ रखना है। अगर आप अपनी खुद की मदद नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सेल्फ बिलीफ रखना है और आप इसमें से बाहर आ सकते हैं।